साल बाद देखो गीता, पिकनिक के फोटोज कितने मस्त आए हैं। क्या शानदार पिकनिक थी। वाह भाई वाह, पिकनिक में तो मजा आ गया। ये क्या है? अरे तुम कौन हो? अरे मैं को पायलट हूँ, तुम कौन हो? ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? आप अचानक इतने ज्यादा उम्र के कैसे दिखने लगी बहन जी? पता नहीं बहन जी, आपका चेहरा भी एकदम बदल चुका है। अरे गीता यहाँ देखो कैमरा में। ये क्या हो गया? हम नहीं। अरे छोड़ो मुझे छोड़ो। अरे पता नहीं क्या हुआ प्लेन में जिससे मेरी उम्र बढ़ गई। ये बिजनेस मेरा है, छोड़ो मुझे छोड़ो। मैं तोता राम हूँ। ये तो हमारे बॉस से भी बड़ा वाला चीटर है। इतनी उम्र हो गई फिर भी इनकी लालच गई नहीं, उनकी आवाज निकाल रहा है। जीजा जी को क्या लगा, मैंने पहचाना नहीं सोते सोते? पहचान तो लिया पर पहचान दिखाऊंगा नहीं। निकाला इनको बाहर। नहीं, नहीं, तुम लोग गलत कर रहे हो। अच्छा हुआ जीजा जी की उम्र बढ़ गई। वाह क्या मजेदार कुर्सी है, और जीजा जी का सारा बिजनेस भी मेरा। अब मैं हूँ बॉस। क्या हुआ? इस पिकनिक ने तो सब गड़बड़ कर दिया। मैं विनोद ही हूँ, देखिए मेरे पास घर की चाबी भी है। अयो चाबी तो किसी को भी सड़क पर पड़ी मिल सकती है, और क्या पता विनोद और गीता से चाबी गिर गई हो। अंकुश, मेरे बच्चे। माँ पापा आप लोग। माँ पापा ये क्या हो गया आपको? अंकुश मेरे बच्चे, तुमने हमें पहचान लिया? हाँ लेकिन ये क्या हो गया है, आप लोग की उम्र इतनी ज्यादा क्यों लगने लगी? पता नहीं बेटा, फॉरेन से लौटते वक्त आकाश में अचानक से हमारा विमान थोड़ी देर के लिए भटक गया, और जब हम लौटे तो अचानक से हम सबकी उम्र 20-25 साल ज्यादा लगने लगी। ऐसा भी होता है क्या? अरे सर मान लीजिए ना, मैं वही पायलट हूँ। जहाज में सब उलट पुलट होने की वजह से हमारी सबकी उम्र बढ़ गई। सर प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। ओ जी बिल्कुल नहीं, ओ जी ये आप हो ही नहीं सकते। अब क्या करूँ, कैसे विश्वास दिलाऊं आपको? अरे ये सब बचपना छोड़ दो, भूल गए क्या आपकी उम्र हो गई है? बस रुको, मुझे भी आने दो। मगर ये ऐसा कैसे हो गया? ऐसा तो कभी नहीं सुना बजरंगी कि किसी की उम्र अचानक से 20 साल ज्यादा हो जाए। लेकिन हुआ तो सबके साथ ऐसा ही ना? यही तो आश्चर्य की बात है। माँ पापा भी यही कह रहे हैं, और प्लेन का कंट्रोलर स्टाफ भी यही दोहरा रहा है कि प्लेन आसमान में सिर्फ 5 मिनट के लिए भटका था। लेकिन अब इन सबको वापस सही उम्र में लाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। बजरंगी तो क्या मम्मी पापा ऐसे ही बने रहेंगे? गणेशा। बात सिर्फ मम्मी पापा की नहीं है अंकुश, उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। अच्छा हुआ गणेशा कि तुम आ गए, अब बताओ इस अजीब संकट से निपटेंगे कैसे? जैसे फंसे थे। कृति दर्शक यंत्र। ये प्लेन इस धूमकेतु के चुंबकीय क्षेत्र में खींच कर चला गया था, और इसी के साथ किसी दूसरी आकाश गंगा में पहुंच गया था, जिससे लोगों की एज अचानक बढ़ गई। पर गायब तो प्लेन कुछ पल के लिए ही हुआ था। अलग अलग आकाश गंगा में समय का चक्र अलग अलग रहता है, इसीलिए उतने ही पल में लोगों पर सालों का प्रभाव पड़ गया। तो अब करना क्या है?
हमें फिर से सबको प्लेन में भरकर उसी धूमकेतु का उल्टा चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष के उसी क्षेत्र में ले जाना होगा। लेकिन वो धूमकेतु कहाँ मिलेगा? कहीं तो अंतरिक्ष में मिलेगा ही ना। तुम लोगों को लेकर आओ, मैं धूमकेतु को ढूंढ कर लाता हूँ। ये अंतरिक्ष के उल्टा चक्कर का बहाना है। हमको बुद्धू बना रहे हो अंकुश? उम्र को एक खोया हुआ बैग है जो वापस मिल जाएगा। एक बार अंतरिक्ष में भटके तो 20 साल बड़े हो गए, दोबारा जाएंगे तो हम लोग शायद लौट कर ही ना आए। अगर आपको अपने बेटे पर इतना ही भरोसा है ना, तो आप लोग ही चले जाइए। नंबर वन, नंबर वन, हम है नंबर वन, समझ नहीं आ रहा कि ये धूमकेतु गया तो गया कहाँ? आपको क्या लगता है कि हमारी उम्र लौट कर आ पाएगी? पता नहीं, पर हमारे बेटे को भरोसा है तो हमें भी है। अरे तोता अंकल, अब इनको कैसे पकड़े गणेशा? ये तो बस में भाग रहे हैं। कोई बात नहीं, जाए चाहे जहाँ, पहुँचेंगे वही जहाँ इन्हें पहुँचना चाहिए। ये बस प्लेन कैसे बन गई? लेकिन गणेशा, ये प्लेन अंतरिक्ष में कैसे रह पाएगा? इसके लिए मेरे पास है अवकाश नियंत्रण यंत्र। स्थान परिवर्तन यंत्र। लो, ये रहा धूमकेतु। लेकिन धूमकेतु है कहाँ? क्या होगा? बिना धूमकेतु के इन लोगों के ठीक होने का कोई उपाय नहीं। बड़ी मुश्किल से तो हम लोग प्लेन के यात्रियों को लेकर आ पाए हैं। अगर ये लोग ठीक नहीं हुए तो क्या होगा? निराश मत हो अंकुश, ऐसी कोई समस्या नहीं होती जिसका समाधान ना हो। हाँ याद आया, मैंने साइंस के क्लास में पढ़ा था, दुनिया में कुछ भी नष्ट नहीं होता, चीजें सिर्फ अपना रूप बदल लेती है। वाह, ये तो शानदार बात याद दिलाई तुमने। धूमकेतु भी बिखर कर अंतरिक्ष में अदृश्य हो गया है। मैं अभी तुम्हें संग्रह चक्रम देता हूँ, उसे ले जाकर धूमकेतु के सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर लो। संग्रह चक्रम यंत्र। ये क्या हो रहा है बजरंगी? ये धरती क्यों खींची चली आ रही है? ये धूमकेतु का आकार बढ़ने से हुआ। लगता है धूमकेतु अनंत काल से जब से बिखरा था तब से लेकर आज तक का सारा हिस्सा संग्रह चक्रम ने इकट्ठा कर लिया है। गरुण पंख। बजरंगी तुम पृथ्वी को संभालो, मैं तब तक प्लेन धूमकेतु के अंदर लेकर जाता हूँ। हाँ
बजरंगी, अपना काम हो गया, धूम केतु को तोड़ दो, तभी इसका शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र खत्म होगा। चलो सबको देख के आते हैं। अरे वाह, ठीक हो गए। अरे वाह कुछ, तुमने तो सच में कमाल कर दिया। तो इसी बात पर एक सेल्फी हो जाए। जी।